कर रहा है, डू यू नो अबाउट लोब्स ऑफ सेरिब्रम? अब बेटा जो सेरिब्रम होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और सेरिब्रम के टोटल 6 लोब्स होते हैं। कौन कौन से बेटा? जो फ्रंटल लोब होता है ये केवल एक होता है, पेराइटल लोब 2 होते हैं, और टेम्पोरल लोब भी 2 होते हैं, ओसीपिटल लोब केवल एक होता है। जो फ्रंटल लोब होता है यहाँ पे मोटर सेंटर मिलता है, उसके अलावा प्री मोटर सेंटर मिलता है, इंटेलेक्चुअल सेंटर मिलता है। इसके साथ साथ बेटा जो लास्ट होता है वो ब्रोकास सेंटर मिलता है। अब बेटा मोटर और प्री मोटर सेंटर का क्या मतलब है? अगर कोई चीज हमारे कंट्रोल में है तो वो मोटर सेंटर, हमारे कंट्रोल में कोई चीज नहीं है तो वो प्री मोटर सेंटर। इंटेलेक्चुअल सेंटर का सिंपल सा मतलब होता है किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो ये इंटेलेक्चुअल सेंटर की वजह से होता है। ब्रोकास एरिया का बेटा मतलब होता है ये ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां से हम अपनी स्पीच को बोलते हैं, हमारे स्पीच के बोलने के सेंटर को ब्रोकास सेंटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जो पेराइटल लोब होता है, इस लोब के अंदर पेन हो गया, प्रेशर हो गया, टच हो गया, हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, टेस्ट के लिए सेंटर, ठीक है। तो पेराइटल लोब में पेन, प्रेशर, टच, हॉट, कोल्ड, टेस्ट, इन सारी चीजों के सेंटर पाए जाते हैं। उसी तरह बेटा जो टेम्पोरल लोब होता है यहां पे ऑडिटरी सेंटर मिलता है। दूसरा बच्चा स्पीच अंडरस्टैंडिंग सेंटर मिलता है, स्पीच अंडरस्टैंडिंग सेंटर, और इस स्पीच अंडरस्टैंडिंग सेंटर को हम बोलते हैं वर्निक सेंटर। बेटा ऑडिटरी सेंटर का सिंपल सा मतलब है कि जहां से हम दूसरे की आवाजें सुनते हैं, ठीक है, तो ऑडिटरी सेंटर हो गया। अच्छा, दूसरे की आवाज सुनकर उस चीज को समझना यानी स्पीच अंडरस्टैंडिंग सेंटर, जिसे साइंटिस्ट के नाम पे वर्निक सेंटर कहते हैं, ये भी टेम्पोरल लोब में मिलेगा। अब बेटा लास्ट बचा ओसीपिटल सेंटर, यहां पे क्या होता है? यहां पे विजन का सेंटर होता है, केवल एक ही सेंटर होता है, विजन सेंटर, ठीक है बेटा। तो ये थे सेरिब्रम के लोब्स और इन लोब्स का काम। ओके।